आज है डबल धमाका पार्ट टू और आपका आखिरी चांस अपने फेवरेट फाइनलिस्ट को टॉप सिक्स में पहुंचाने का। आज रात 12 बजे से पहले आपको अपने फेवरेट के लिए अपना फर्ज निभाना है, वरना आप वहां आराम से सोए और इधर कल रात रिजल्ट्स में वो बाहर हुए। अब तक आइडल के स्टेज पर आई लगभग हर एक्ट्रेस जैसे बिपाशा, लारा, सोनम, पर हमारे अगले फाइनलिस्ट फिदा हुए, कोई नहीं बची। प्रेजेंटिंग द जेरी माउस के भेस में द स्मूथ चार्मर शिवम पाठक। मेरी ड्रीम गर्ल बहुत सिंपल होनी चाहिए और उसको इंडियन आउटफिट्स बहुत पसंद होने चाहिए। जितना प्यार वो मुझसे करे उतना ही प्यार मेरे मम्मी डैडी से भी करे और मेरे मम्मी डैडी का भी उतना ही ख्याल रखे। सबसे बड़ी बात जो है वो एक सिंगर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब दो सिंगर एक साथ रहते हैं तो उन लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। मेरी जो परफेक्ट डेट होगी मेरे ड्रीम गर्ल के साथ, वो किसी ठंडी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पे हम दोनों लोग बहुत गरम गरम खाना खा रहे हों, और मैं वहाँ पे उसको ये गाना डेडिकेट करूँगा अपने गिटार के साथ। तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा ना था, और ये जिंदगी। जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। चाबुक होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। हाँ, कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। हाँ, एक दो तीन हो जाती है, एक दो तीन हो जाती है। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया शिवम। जब ये गा रहा था तो आपने कुछ डायलॉग कहा था, एक बार अगर फिर से हो जाए वो। वो मैंने वही डायलॉग बोलने की कोशिश की थी जो धर्म जी के साथ कहा था, चल हट बच्चे। अभी बच्चा कर दिया था लेकिन वहां पे बोला था चल हट साले। अनु जी, देखिए शिवम, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो तुमने गाना गाया वो मैं यहां बैठकर नहीं गाऊंगा, मैं वहां चल के आऊंगा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं शिवम। शिवम, आपने गाना गाया और मैं जनता से कहना चाहता हूं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि कंपटीशन अब बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं समझता था कि श्रीराम इंडियन आइडल बनने वाला है,
लेकिन अब मुझे लगता है कि श्रीराम के बाद अगर कोई है तो शिवम भी बन सकता है। आज जो उसने गाना गाया है, जो वो वहां आया, इतना छोटा सा लड़का, टू कम टू हिमाजी एंड ट्राई टू रिक्वेस्ट टू सिंग, मेरे पास आज भी हिम्मत नहीं कि मैं हिमाजी को बोलूं डांस करो, ये लड़के ने बोल दिया, तो क्या चीज, क्या क्या मिट्टी का बना हुआ लड़का है यार, ये कमाल है। मगर इसके अलावा मैं आज कहना चाहता हूं ऑल द सिंगर्स, दिस बॉय कुड बी द नेक्स्ट इंडियन आइडल। तालियां जोर से बजाओ इसके लिए। अच्छा, अभी अनु जी ने बात की हेमा जी, जो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, ये छोटे से बच्चे ने इतनी हिम्मत की है कि वहाँ तक आया और उन्होंने आपसे कहा कि क्या आप हमारे साथ डांस कर सकती, तो मतलब उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वैसे। बहुत बहुत देनी पड़ेगी, क्योंकि इज सच अ यंग बॉय, जो शोले जब बनी थी उस वक्त ये तो पैदा भी नहीं थे, तो उसके बाद अभी देख के वो उस गाने को याद करके वो गा रहे हैं और बहुत ही अच्छा गाया और एक्सप्रेशंस वर एक्सलेंट, वेरी नाइस। आई कुड रियली फील द सेम थिंग व्हाट वाज पिक्चराइज्ड एट दैट टाइम। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। सलीम, आप भी इस बात में मानते हैं कि ही कुड बी द नेक्स्ट इंडियन आइडल? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैंने तो हमेशा कहा है। शिवम की एक खासियत यह है, और मैंने हमेशा कहा है कि हम इंडियन आइडल 5 में जो इंडियन आइडल जो बनेगा उसमें एक वर्सेटैलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो रॉक सॉन्ग भी गा सके और एक कवाली, गज़ल, सूफियाना और बंदिश भी गा सके, और शिवम में वो सब क्वालिटी है। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। जेरी माउस से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि आपकी जो पार्टनर हो, सिंगर हो, तो आपकी जोड़ी बहुत आगे जाएगी, और मैं मानती हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताओ, अगर कोई ऐसी लड़की हो जो सिंगर ना हो और वो बहुत प्यार करती हो तुम्हें भी और पेरेंट्स को भी, फिर क्या करोगे? ऐसे थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा। गाना सिखा देंगे। सच, सही है। सिखाओगे? जी पक्का, उसको सिखा दूंगा। एनीवे, अब आपके रिजल्ट की बात करते हैं। आप बहुत अच्छा गाते हैं शिवम। एक सिंपल गाने को सिंपलिसिटी के साथ गाना बहुत बड़ी बात होती है और मुश्किल बात भी होती है, वो आपने आज की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ड्रीम गर्ल का स्वागत करने स्पेशली आ रहे हैं हमारे ड्रीम जज सलीम मर्चेंट। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। So much for welcoming in such a beautiful manner. Pleasure. मैं ये प्रोग्राम जब जब टाइम मिलता है मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ना सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि बहुत ही गर्व भी होता है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने ऐसे टैलेंटेड बच्चे लोग हैं जो संगीत में निपुण हैं, और मैं इंडियन आइडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो देश के कोने कोने से ऐसे टैलेंटेड लोगों को खोज कर निकाल कर लेकर आते हैं, और ऐसे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए।
और शुभकामनाएं एंड माय ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.